once again. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शमा, वेलकम टू होम किचन। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे पैनकेक्स, जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं और वो लोग ब्रेकफास्ट में इसको खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जल्दी जल्दी हम लोग को भूखे लगती हैं, तो हम ये टी टाइम में भी खा सकते हैं शाम में, और ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और वैसे ही अगर हमको हल्की फुल्की भूख लगे तो हम उस पर खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पैनकेक किस तरह से बनते हैं। बहुत ही इजीली हैं ये। सबसे पहले मैंने एक एग ले लिया है एक बोल में, जो रूम टेम्परेचर पर है, और मैंने इसमें डाली है 2 टेबल स्पून शुगर, पाउडर शुगर है ये, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पाउडर शुगर डाल दी है। इसको हमको विस्क करना है अच्छी तरह से, 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से इसको विस्क कर लें आप। ये बहुत ही जल्दी और फटाफट से बन जाएंगे, और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं ये, तो आपको इतने इंग्रेडिएंट्स लेने नहीं पड़ेंगे। और घर में जो इस तरह की चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, तो बहुत ही आसानी से घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उससे ये आसानी से बन जाएंगे। तो जी ये विस्क कर लिया है मैंने इसको, 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये है 1 कप मिल्क है, ये भी रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा दूध नहीं लेना है हमको फ्रिज का, रूम टेम्परेचर पे जो दूध होता है वो वाला लेना है हमको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वैनिला एसेंस, 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस जाएगा इसमें, जिससे इसकी बड़ी अच्छी से खुशबू आने लगेगी हमारे पैनकेक्स में से। अगर आपके पास वैनिला एसेंस नहीं है, कोई और एसेंस है, तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास वैनिला एसेंस था तो मैंने वैनिला एसेंस डाल दिया है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारे पैनकेक्स में। अब जी आ गया है हमारा मैदा, ये जो आपको नज़र आ रहा है 1 कप, ये 1 कप मैदा है, इसको छान लेना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। जब भी आप मैदा अपने किसी बैटर में डालें, केक के बैटर में डालें या किसी और चीज़ के बैटर में डालें, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डाला करें, ताकि हमारा बैटर जो है ना वो बहुत ही स्मूथ सा रहे और मॉइस्ट बने, और इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है, छान के डाला करें। ये बाकी का मैदा भी मैंने डाल दिया है, ये है बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर। ये हमारा बैटर अच्छी से तैयार हो रहा है। ये देखें, ज़बरदस्त बैटर तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, ज़बरदस्त है इसकी कंसिस्टेंसी। फ्राइंग पैन मेरा तैयार है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयलिंग कर ली है, ताकि हमारे जो पैनकेक हम इसमें डालेंगे वो चिपक ना जाएं, और वैसे भी ये नॉन स्टिक है तो ये वैसे चिपकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ज़रा अच्छा सा कलर आ जाता है थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें तो। अगर आपको तो ऑयल पसंद नहीं है तो आप उसको बगैर उसके भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का स्पून आप ले लें और अपने पैनकेक बनाते रहें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें डालते रहें बैटर अपना, तो ये हमारे बड़े अच्छे से पैनकेक तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, मैं चॉकलेट चिप डाल रही हूँ, बच्चों की पसंद के होते हैं ये, बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं, तो ये इसमें मैंने चॉकलेट चिप डाल दिया है, और इसमें मैंने किशमिश डाली है।
बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती हैं तो मैंने ये चीज़ें डाली हैं। और बड़े जो हैं वो भाई अगर इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करें तो वो प्लेन पैनकेक भी बना सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए हमारा जो दो हमारे पैनकेक थे वो ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं, कितना अच्छा इनका कलर आ गया है, ज़बरदस्त था। अब हमने इसको टर्न कर दिया ताकि दूसरी तरफ से भी कुक हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे पैनकेक तैयार हैं। अब हम दूसरा राउंड लगाएंगे, थोड़ी सी ऑयलिंग की मैंने, अब मैंने दूसरा पैनकेक का बैटर डाला उसमें। अच्छा, इसके कुक होने की निशानी ये है कि इसमें जब आप जैसे डाल देंगे ना तो थोड़ी देर के बाद उसमें छोटे छोटे से बबल्स आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये नीचे से बिल्कुल तैयार हैं, तो फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा। तो मेरे जो पैनकेक्स में थोड़े छोटे छोटे से बबल्स नज़र आने शुरू हो गए हैं, तो अब मैंने इसको पलट दिया है। देखिए कलर इसका भी कितना अच्छा आया है, मज़ेदार सा झटपट बनने वाले ये पैनकेक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बहुत ही आसानी से खा भी लिए जाएंगे। इसको खा के मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ग्रीन कलर और ये रेड कलर के जो हमारे पैनकेक बने, ये देखिए कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं रंग बिरंगे से। अच्छा जी, ये दूसरा राउंड है जिसमें मैंने दो में मैंने वो डाले हैं ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और एक में मैंने वही चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं। बच्चों की पसंद के हिसाब से मैंने ज़रा ये बनाए हैं, आप चाहें तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं। ये जी थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, तो उसको मैं दोबारा से टर्न कर दूंगी और थोड़ा सा और कुक करूंगी इसको। ये रेडी है बिल्कुल, ये देखें तो प्यारा लग रहा है। ये देखें जी हमारे पैनकेक्स कितने मज़ेदार और खुशनुमा लग रहे हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को लंच में दीजिएगा तो वो बड़े शौक से ये लंच लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ उन्हें अच्छा सा लंच मिले। यू मस्ट ट्राई दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।